भरतपुर में लोहागढ़ विकास परिषद एवं जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत खिन्नी घाट स्थित श्री ब्राह्मण धर्मशाला में अखिल भारतीय ब्रज भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा ने की। अतिथियों का स्वागत ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष एवं कवि डॉक्टर लोकेश शर्मा ने पटका माला स्वापा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मां सरस्वती एवं भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि कवि व साहित्यकार देश की धुरी होते हैं और वे अपने काव्यों के जरिए सभी को राह दिखाने का काम करते हैं। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि कवि समाज को दशा व दिशा देने में महती भूमिका निभाते हैं। इस दौरान भरतपुर के अलावा राजस्थान एवं ब्रज क्षेत्र से आए कवियों ने हास्य व्यंग तथा सामाजिक सरोकार से जुड़ी कविता सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अज्ञान कुहरा कर कमल सबके माथे धरो मैया कर कमल सबके माथे धरो मैया जहन में कुछ चीजें होता है।